हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मशरूम, जो बच्चों को खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखो दोस्तों, ये एकदम कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए लिए हैं हमने पहले आलू लिए हैं चार। ये मेरे आलू छोटे छोटे हैं, इन्हें मैंने छील लिया ऊपर से। अब मैं इन्हें थोड़ा बारीक टुकड़ों में काट लूँगी। इस तरह से काट लेंगे। ये काट लिए हमने। अब इन्हें हम अच्छी तरह से धोकर गर्म पानी में उबालने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें इन्हें कुकर में नहीं पकाना है। ये ज़्यादा पक जाएंगे, इसलिए पतीले में ही पकाना है। देखो दोस्तों, ये हमारे पक चुके हैं। अब हम इन्हें स्टेनर में डाल लेंगे। इसके बाद मिक्सर बाउल में इन्हें डालकर मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और एक बार और स्टेनर में इन्हें हाथों की सहायता से दबाते हुए इस तरह से बारीक कर लेंगे। अब इसमें हम 3-4 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाकर इसे अच्छा सा थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर डो बना लेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस तरह से हमने इसका डो बना लिया है। अब इसे हाथों पर चिकनाई लगाकर हम थोड़े थोड़ा सा इसमें से लेकर इस तरह से गोल हथेली पे करके बोतल लेकर इस तरह से इसे एक मशरूम की तरह शेप बना लेंगे। इस तरह से इसी तरह से हमने सारे मशरूम बना लिए हैं। अब हमने पतीले में पानी उबाल रखा था, उसमें इसे डाल देंगे। इसे उबलते पानी में ही डालें। देखो दोस्तों, ये हमारी पानी में ऊपर तैर चुकी हैं, तो सोच लो ये हमारी तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी में डालेंगे। इस तरह से इन्हें डाल दें। अब ये हमारे मशरूम तैयार है। अब इन्हें चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा डाला है हमने, सोया सॉस, करी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर। इसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल लेकर 2 चम्मच। इसमें डाला है मैंने ज़्यादा सा लहसुन। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें हरी मिर्च काट कर डाली हुई है। अब इन्हें ऊपर से इसमें थोड़ा सा डाल देंगे टमाटो केचप। अब ये डाल देंगे हमारा तड़का जो तैयार हुआ है। ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इन्हें चम्मच से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो दोस्तों, एक एक पीस में रख रही हूँ। ये बच्चों को बड़ों को बहुत ही खाने में टेस्टी लगती हैं। आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।